प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वाष्पन क्या है और वाष्पन किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, उनका किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। तो देख लीजिए बच्चों, वाष्पन क्या है, इसका पहला उत्तर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जल का भाप बनकर उड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। जल जो है जब भाप बनकर आसमान में उड़ जाता है या वातावरण में चला जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। तो आप देखिए वाष्पन का किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव ताप का प्रभाव, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो देख लीजिए ताप का जो प्रभाव है वाष्पन पे, ताप का प्रभाव, अब देख लीजिए अगर हम सपोज करिए दो कटोरी लेते हैं और दोनों कटोरी समान आकार की हैं और दोनों में समान पानी भर लेते हैं, बराबर पानी भर लेते हैं, और एक को हम छांव में रख देते हैं शेड के नीचे और वहीं पे दूसरे कटोरी हम लोग धूप में रख देते हैं, जैसे ये वाला धूप में रख देते हैं, दोनों कटोरियों में समान पानी है, समान आकार की कटोरियां हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि कहाँ पे वाष्पन अधिक होगा, जाहिर सी बात है जो कटोरी धूप में रखी होगी उसमें वाष्पन तेज़ी से होगा और वहीं पे जो कटोरी छांव में रखी है उसमें वाष्पन धीमे होगा। तो इससे ये पता चलता है कि वाष्पन का जो है ताप का जो है वाष्पन पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर ताप अधिक होगा तो वाष्पन अधिक होगा, यदि ताप अधिक होगा तो वाष्पन अधिक होगा। ताप अधिक होने पे वाष्पन अधिक होने लगता है, अगर तापमान को कम कर दिया जाए तो वाष्पन की गति धीमी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज आप चलेंगे अगले प्रभाव की तरफ। देख लीजिए यहाँ पे हमने एक प्लेट लिया है, एक बीकर लिया है, इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि सतही क्षेत्रफल का जो है वाष्पन पे क्या प्रभाव पड़ता है, सतही क्षेत्रफल का वाष्पन पे क्या प्रभाव पड़ता है। एक हमने प्लेट लिया और एक बीकर लिया, प्लेट में भी पानी रख दिया और बीकर में भी उतना ही पानी रख दिया। अब आप समझेंगे, देखिए प्लेट में पानी लिया और बीकर में पानी लिया, दोनों में समान पानी रख दिया, ठीक है, समान मात्रा में। अब देखेंगे कि वाष्पन किस में तेज़ी से होता है, तो बच्चों वाष्पन जो है प्लेट में रखे पानी का वाष्पन तेज़ी से होगा, जो पानी प्लेट में रखा है उसका वाष्पन तेज़ी से होगा, वहीं पे बीकर में रखे पानी का वाष्पन धीरे होगा, क्योंकि जब सतही क्षेत्रफल अधिक होता है, जब जल का सतही क्षेत्रफल अधिक होता है, सतही क्षेत्रफल यानी दूर तक वो फैला होता है, तो उसका वाष्पन तेज़ी से होता है। प्रॉब्लम क्या इसमें होता क्या है कि इसका जब ये दूर तक फैला रहेगा तो इसके कण भाप बनकर उड़ने के लिए इनको ज़्यादा जगह मिलेगा और ये जल्दी जल्दी भाप बनकर उड़ेंगे आसमान में, इससे जो है प्लेट में रखा पानी जल्दी सूख जाएगा और वहीं पे बीकर में रखे पानी का वाष्पन धीमी गति से होगा। तो इस बात से हमें ये बात समझ में आती है कि सतही क्षेत्रफल अधिक होता है तो वाष्पन की गति तेज़ होती है और सतही क्षेत्रफल को अगर घटा दिया जाए तो वाष्पन की गति धीमी हो जाती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रभाव देखते हैं। अगला प्रभाव है मौसम का प्रभाव, वाष्पन पे मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों देख लीजिए, मौसम अगर शुष्क है, यानी कि मौसम अगर सूखा है, शुष्क है यानी हवा में अगर आर्द्रता या नमी नहीं है, ऐसे में जो है क्या होगा कि वाष्पन तेज़ी से होगा। वहीं पे अगर मौसम में आर्द्रता है, बारिश का सीजन है, तो उसमें वाष्पन धीमी गति से होगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि बारिश के सीजन में जो है कपड़े देर से सूखते हैं और वहीं पे गर्मी के सीजन में जब जो है वातावरण शुष्क होता है, उसमें नमी नहीं होती है वातावरण में, ऐसे में कपड़े जो है बहुत जल्दी सूख जाते हैं। कपड़े जब सूखते हैं तो कपड़े का जो पानी होता है वो वाष्पित होकर आसमान में चला जाता है, वातावरण में चला जाता है। कपड़े सुखाए जाते हैं तो उसका पानी जो है वाष्पित होकर आसमान में या वातावरण में चला जाता है और इस तरीके से कपड़ा सूख जाता है। जब
शुष्क मौसम होगा तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, वहीं पे नमी या आर्द्र या बारिश का मौसम होगा तो कपड़ा देर से सूखेगा, क्योंकि नमी या बारिश के समय में वाष्पन की गति धीमी हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रभाव की तरफ चलेंगे हम लोग। देख लीजिए, वाष्पन का हवा की गति से क्या प्रभाव पड़ता है, हवा की गति से वाष्पन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों आप जानते हैं कि अगर हम लोग पंखे के सामने कपड़े को सुखाएं तो कपड़ा जल्दी सूखता है, वहीं पे अगर पंखा बंद करके रखें तो कपड़ा देर से सूखता है। ऐसे में एक बात समझ में आती है कि अगर हवा की गति बढ़ा दी जाए तो वाष्पन तेज़ी से होने लगता है, यानी वाष्पन की गति बढ़ जाती है। अगर हवा की गति धीमी है तो वाष्पन की गति धीमी होगी। ऐसे में क्या है कि अगर जो है, अब देख लीजिए, वाष्पन की गति धीमी हो जाएगी, यानी कि कपड़ा जो है हमारा देर से सूखेगा। अगर हम लोग पंखे नहीं चलाते हैं तो कपड़ा हमारा देर से सूखेगा, यानी कि कपड़े में जो पानी है उसका जो वाष्पन होगा उसकी गति धीमी हो जाएगी। वहीं पे अगर हम लोग हवा चला देते हैं, पंखा चला देते हैं, हवा चलने लगती है तो कपड़ा तेज़ी से सूखने लगता है, यानी कि वाष्पन की गति बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर हम लोग बाहर, अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है, अगर उसमें हम अपना कपड़ा सुखाते हैं या किसी चलती बस के विंडो पे अपना कपड़ा सुखाते हैं तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है, क्योंकि हवा की गति वहाँ पर तेज़ होती है, इसलिए वाष्पन तेज़ होता है। तो हम लोगों ने देखा कि वाष्पन का किन किन बातों से प्रभाव पड़ता है। तो देख लीजिए, पहली बात तो वाष्पन क्या है, जल के भाप बन के, जल यानी कि पानी के भाप बन के उड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। और वहीं पे ताप का प्रभाव पड़ता है, अगर तापमान अधिक होगा तो वाष्पन अधिक होगा, तापमान कम होगा तो वाष्पन धीमी गति से होगा। दूसरा है, अगर क्षेत्रफल, अगर पानी का क्षेत्रफल यानी सतही क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पन की गति तेज होगी, सतही क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पन की गति धीमी होगी। यानी प्लेट में रखा पानी जल्दी वाष्पित होगा, वहीं पे जो है बीकर में रखा पानी जल्दी वाष्पित नहीं होगा। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मौसम का प्रभाव यह पड़ता है कि अगर मौसम शुष्क है तो वाष्पन तेज होगा, कपड़े जल्दी सूखेंगे। अगर मौसम में नमी या आर्द्रता है तो वाष्पन की गति धीमी होगी और हमारे कपड़े धीमी गति से सूखेंगे। चौथा हम लोगों ने पढ़ा अंतिम कि हवा का क्या प्रभाव पड़ता है। हवा का प्रभाव, हवा की गति अगर तेज होगी तो वाष्पन की गति तेज होगी और कपड़ा हमारा जल्दी सूख जाएगा। वहीं पे अगर हवा की गति धीमी है तो वाष्पन की गति धीमी होगी और हमारे कपड़े देर से सूखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।